केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा है। वैसे तो हर बार केंद्र सरकार सड़कों के या फिर जगहों के नाम बदलती रहती है और वो मामला सियासी मामला बन जाता है। मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। आप सब ये तो जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और साथ ही वो महात्मा गांधी के सहायक के तौर पे भी भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता भी, इसलिए उनकी याद में नेहरू मेमोरियल और पुस्तकालय की स्थापना की गई। यह संस्था भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास आलिशान तीन मूर्ति भवन में स्थित है। यह चार भागों में विभाजित है। यह स्मारक संग्रहालय एक आधुनिक भारतीय पुस्तकालय, समकालीन अध्ययनों से संबंधित एक केंद्र और नेहरू तारामंडल। यह संस्था हमें हमारे पहले प्रधानमंत्री की याद दिलाती है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर माहौल तेज है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर केंद्र सरकार को कठोर आलोचना करते हुए सांसद संजय राउत ने कहा है कि पंडित नेहरू ने देश को बनाने में योगदान दिया है, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया था, देश में कई प्रधानमंत्री हुए और सभी ने देश के लिए काम किया है, लेकिन संग्रहालय का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, नेहरू के नाम से भी संग्रहालय चल सकता था। उसी में आप बड़ा स्थान सभी को दे सकते थे। पंडित नेहरू से नफरत के कारण से ये सब किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनकी विचारधारा और नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय राजनीति और समाज के विकास में था, इसलिए उन्हें सम्मानित रखने के लिए उनके नाम के साथ जुड़ी याद